हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से रिलेटेड आई हुई काफी मेजर डिटेल के बारे में, जो कि एक हिसाब से लीक है, लेकिन फिर भी इनमें से एक डिटेल्स पर तो बात करना बनता ही है, दूसरी पर उतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, अब इस फिल्म से रिलेटेड कौन सी डिटेल लीक हुई है, जिससे हमें ट्रेलर के आने के कितने ज्यादा चांसेस 24 अगस्त के लग रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी बारे में जिस बारे में आपको भी पता चल गया होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो गया है, और वो कोई फेक ट्रेलर नहीं बल्कि असली ही ट्रेलर है, जिसे मैंने भी अब तक नहीं देखा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी 1 मेगापिक्सल की है, जिसे रिकॉर्ड एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किया गया है, और ऑब्वियसली वो एक लीक है जिससे बस आपको दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे 1 मेगापिक्सल की क्वालिटी सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड पूरी तरीके से खराब कर देगी। यानी जो कुछ भी सरप्राइजेस उस लीक ट्रेलर में दिखाए जाएंगे वो पहले ही अगर आपके लिए स्पॉइल हो जाएंगे, तो फिर ट्रेलर देखने का मजा क्या रहेगा, जिसके लिए हमने इतना वेट किया है, तो बस कुछ और घंटे वेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ये सबक स्टूडियो के लिए भी है कि किसी भी ट्रेलर की प्रिपरेशन अगर करनी है फिल्म की हाइप के हिसाब से, तो उन्हें राज ही रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर सोनी पिक्चर्स की तरफ से फिल्मों के ट्रेलर ज्यादातर तो लीक होते हैं एमसीयू के यूनिवर्स के। इसके पहले मॉर्बियस, उसके बाद वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज, और अब स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का भी ट्रेलर लीक हो गया, जिससे मुझे गुस्सा तो आ रहा है उस बंदे पर जिसने इस अनफिनिश्ड ट्रेलर को रिलीज किया है। जी हाँ, ट्रेलर में सीजीआई वर्क भी कंप्लीट नहीं है, जिसकी डिटेल पहले ही डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लीक हो गई थी, जिस लीक डिस्क्रिप्शन पर मैं ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन अब जबकि लीक ट्रेलर सभी के सामने है, तो उस पर भी बात करना बनता ही है। और फिर से एक वार्निंग कि उस लीक ट्रेलर से दूर रहो, क्योंकि ऑफिशियल ट्रेलर अब मुझे लगता है इस लीक के बाद जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाएगा, वरना फैंस के बीच जो इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर हाइप बनी थी, उस सारी की सारी हाइप को खत्म ये 1 मेगापिक्सल का लीक हुआ ट्रेलर कर देगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी फिल्म से रिलेटेड लीक हुए स्पाइडरमैन के फिगर के टॉय की, जिसे किसी शख्स ने मॉल में जाकर क्लिक किया है, बट ना उसका दिमाग नहीं चला कि वो उन टॉयज को परचेस कर ले जो काफी लिमिटेड एडिशन में रहेगी, क्योंकि आपको भी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि वो एक्सक्लूसिव एक्शन फिगर जो टॉबी मैग्वायर के वर्जन के स्पाइडरमैन का है, वो 2 ही है, और नहीं ये कोई फोटोशॉप नहीं बल्कि असली टॉय है, जो शायद से हो सकता है कि टॉय पैकिंग करने वालों की गलती की वजह से इस शॉपिंग मॉल तक पहुंच गया होगा, क्योंकि कई लोग इस एक्शन फिगर को फेक भी कह रहे हैं, और रीजन है आज के जमाने में लोगों का आर्ट वर्क, जिसे हम यूट्यूब पर तो देखते ही है कि किस तरीके से लोग घर बैठे ही अपनी कला से टॉयज को इतना ज्यादा रियल बनाते हैं कि उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि वो टॉय असली है या फिर नहीं। लेकिन इस केस में मैंने कुछ डिगिंग भी की है, और हाँ, बाकी दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी, और वो रिसर्च टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन की इस कॉन्सेप्ट आर्ट की है, जो आपको हॉजबॉग के उस एक्शन फिगर के कवर पर दिख रही होगी। वेल, ऐसी सिमिलर आर्ट यानी कि कॉन्सेप्ट आर्ट मुझे इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिली, जो कहीं ना कहीं इस पैकेज को रियल ही बताता है। इसके अलावा बाकी लोगों ने पॉइंट आउट स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के टाइटल को लेकर भी किया है, क्योंकि इसके टाइटल के नीचे नो वे होम लिखा है, और दूसरे टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन के एक्शन फिगर पर बिल्कुल भी नहीं, सिवाय स्पाइडरमैन के नाम के। तो नहीं, स्टूडियो की तरफ से पहले भी कंपनीज के ऐसे टॉयज निकल कर आए हैं जिन पर सिर्फ अवेंजर्स ही नाम लिखा हुआ था, अवेंजर्स एंड गेम बिल्कुल भी नहीं, जो कि हो सकता है कि स्टूडियो की तरफ से तब तक ना दिया जाता हो जब तक इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल कन्फर्म नहीं होता। तो शायद यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ उसी तरीके की है। लेकिन अब जो भी है, चीजें हमारे सामने है, और इंटरनेट पर कई सारी रूमर्स भी, जिनकी वजह से फैंस की थियरी कहीं ना कहीं सच होती हुई भी नजर आ रही है। आई होप कि टॉबी मैग्वायर से लेकर एंड्रयू गारफील्ड तक की थियरी इस फिल्म में बिल्कुल सही निकल कर आए, जिसकी मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि अगर फिल्म में दोनों ही पीटर पार्कर के वर्जन के स्पाइडरमैन रहेंगे, यानी कि टोटल 3 स्पाइडरमैन, तो उन्हें सरप्राइज के तौर पर ही फिल्म में रखा जाएगा, यानी कि ट्रेलर से लेकर इस फिल्म के प्रमो तक में टॉबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन के स्पाइडरमैन को दिखाया नहीं जाएगा, जो कि ठीक भी है, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी बची आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।